फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारे स्किन रिलेटेड है और ये एक इंग्रेडिएंट, जस्ट वन इंग्रेडिएंट आपके स्किन को ही हाइड्रेशन को मेंटेन करेगा, आपके स्किन के पीएच को बैलेंस करेगा, एंटी एजिंग है, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, किसी तरह के स्कैर्स के लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव रेमेडी है। जस्ट वन इंग्रेडिएंट और ये आप सभी सभी के घर में अवेलेबल है, किचन में आपके। Hi guys, I'm Sudhof. Welcome back to my channel You and Me. Please subscribe करें मेरे channel You and Me को और bell button पे click करें beauty, makeup, cooking and DIY videos को सबसे पहले देखने के लिए। और ये है वो just one ingredient जो हमें चाहिए, ये है दही का पानी। जो दही हम जमाते हैं अपने किचन में हम सभी, और जो उसका पानी होता है वो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ और उसे हमने स्ट्रेन कर लिया है, छलनी से छान लिया है। और इस तरह की DIYs करने में हमेशा ध्यान रखा करें कि स्ट्रेनर आपका अलग होना चाहिए, जो छलनी आप यूज़ करते हैं वो किचन वाली जिसमें आप चाय छानते हो वो वाली स्ट्रेनर यूज़ नहीं करें, उसी से ब्रेकआउट पिंपल्स होते हैं। और ये दही का पानी जो हमने निकाला था उसे आप इस तरह से स्ट्रेन कर लें। और ये दही का पानी इतना इफ़ेक्टिव है आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए, आप इसे एज अ छाछ पीते भी हो घर पे हम सब। और ये मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि ये दही का पानी जो है वो आपकी दही से भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और ये स्किन के लिए एक समझो आप मिरेकल वाटर की तरह ही वर्क करेगा। बहुत इफ़ेक्टिव है आपके पिंपल्स के लिए, आपकी ऑयली स्किन के लिए, आपके पिगमेंटेशन के लिए, आपकी एज्ड स्किन के लिए, अगर आपकी एजी स्किन हो रही है, सैगी स्किन हो रही है, बहुत इफ़ेक्टिव है उन सभी चीज़ों के लिए। और ख़र्च आपको ज़्यादा करना नहीं है, किचन में इजली अवेलेबल है। एक छोटी सी बॉटल मैंने ली है, स्प्रे बॉटल, और उसमें मैं इसे पोर कर रही हूँ इस तरह से। और ये हमारा दही का पानी और वे वाटर रेडी है आपके एप्लीकेशन के लिए। आप एक इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल है तो आप वो भी इसमें डाल के यूज़ कर सकते हो। मेरे पास अवेलेबल है तो मैं बिल्कुल डालूँगी। और एसेंशियल ऑयल में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। जस्ट 2-3 ड्रॉप्स डालनी है आपको, दोनों की ईच 3-3 ड्रॉप्स। उससे एक अच्छे से स्मेल आएगी और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी इंक्रीज़ हो जाती है। और एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जस्ट मैं अभी सोकर उठी हूँ और फेस पे पानी भी नहीं डाला है। रात में मैं फ़ेस वॉश करके सोती हूँ तो सुबह में फ़ेस वॉश नहीं करती हूँ। जस्ट आप मैं सोके उठी हूँ और इसे अपने पूरे फेस पर स्प्रे कर लूँगी। 8-10 स्प्रे आप बिल्कुल अच्छे से पूरे फेस पर मारें, बचाने की ज़रूरत नहीं, अच्छे से पूरा स्किन, आपकी पूरी स्किन भीगनी चाहिए। और आप इसे एज इट इज़ छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपको कम से कम 15-20 मिनट अपने स्किन पे रखना है। थोड़ी ये स्टिकी लगती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टिकी लगती है, आपके बाल बिल्कुल चेहरे पे बार बार सट रहे होते हैं, वैसा होता है तो आप इसे 20 मिनट के बाद एक बार जस्ट पानी से वॉश कर लो एंड दैट्स इट। अगर नहीं कुछ स्टिकीनेस लगती है तो आप इसे एज इट इज़ स्किन पे रहने दो। एंड आई एम टेलिंग यू, ये वे वाटर, ये दही का पानी इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैंने कहा कि मैंने किसी बुक में पढ़ा था ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा, घर में बहुत ईजली अवेलेबल, बहुत ईजली आप बना सकते हो और इसके बेनिफिट उठा सकते हो। और ये वे वाटर और ये दही का पानी इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके स्किन के लिए, आपके स्किन को रिजुविनेट करता है, हाइड्रेट करता है, आपकी एज्ड स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, कोलाजन मिलेगा इसमें आपको, अमीनो एसिड्स मिलती है, पीएच को बैलेंस करता है। हर स्किन टाइप वाले आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर एसेंशियल ऑयल नहीं भी है घर पे तो आप जस्ट 2-3 ड्रॉप्स आलमंड ऑयल डाल लो। आप इसे एज अ टोनर, एज अ फेस मिस्ट यूज़ कर सकते हो, दिन में 2-3 बार बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। सुबह यूज़ करो, शाम यूज़ करो, दिन में यूज़ करो, कोई इशू नहीं होगा। दही का पानी है इसलिए ये बाहर आप बहुत दिन नहीं रख सकते हो, इसलिए आप इसे फ्रिज में रख देना।
और अगर एसेंशियल ऑयल यूज़ करोगे तो आप उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ा दोगे, स्मेल अच्छी हो जाएगी, आप बाहर 4-5 दिन बाहर रख सकते हो और फिर आप फ्रिज में उसे ट्रांसफ़र कर देना, फ्रिज में रखने शुरू कर देना। और इस तरह के इन्ग्रीडियंट्स को यूज़ करना बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है आपको, ईज़ली अवेलेबल हो, ईज़ली आप मैनेज कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, और बहुत इफ़ेक्टिव होती है इस तरह की इन्ग्रीडियंट। और इस तरह की बुक्स भी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती रहती हूँ जिसमें होम रेमेडीज ऐसी हो जो ईज़ली अवेलेबल हो और बहुत इफ़ेक्टिव। और ये छोटा सा बॉटल जस्ट 1 वीक में मैं फिनिश कर देती हूँ, 1 वीक में फिनिश हुआ, फिर आप दूसरा बनाएं, फिर तीसरा बनाएं, इस तरह से यूज़ कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी स्किन एज होती है, हाइड्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके स्किन के लिए, जो आपकी एज्ड को, सैगनेस को रोकती है, रिंकल्स को प्रिवेंट करती है। इसलिए मैंने इसमें लेवेंडर और रोज एसेंशियल ऑयल यूज़ किया है। और ये वाटर, वे वाटर जो है आपका, वो आपकी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा ही। अगर एसेंशियल ऑयल नहीं है तब ही आप आलमंड ऑयल का जस्ट 2-3 ड्रॉप्स यूज़ करना, अदरवाइज़ आप बिल्कुल एसेंशियल ऑयल अगर परचेस कर सकते हो तो उसमें इन्वेस्ट करो। एसेंशियल ऑयल स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल, हेयर के लिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए मैं बहुत यूज़ करती हूँ एसेंशियल ऑयल। और इस वे वाटर में जो हमने यूज़ किया है लेवेंडर और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपके स्किन की पफिनेस को, आई की जो अंडर आई पफिनेस होती है उसे रिड्यूस करेगा, सन डैमेज है, पिगमेंटेशन है, एज हो रही है स्किन, सैगनेस हो रही है उसे रिड्यूस करेगा, आपकी स्किन को ड्यूई और ग्लोइंग बनाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।